बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला के खिलाफ पुलिस अपहरण की धारा आईपीसी की धारा 365 जोड़ सकती है। इस केस में गिरफ्तारी होने पर जमानत हो गई थी विकास बराला की, लेकिन अब अगर धारा 365 जोड़ी जाती है तो फिर जमानत नहीं मिल पाएगी आरोपी विकास बराला को। हम सीधे रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता यादवेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यादवेंद्र, बार बार पुलिस पर सवाल इसी वजह से उठाया जा रहा था कि धारा 365, धारा 511 आखिरकार क्यों नहीं लगाई गई आरोपी विकास बराला पर, ऐसे में क्या कहा जा रहा है, क्या जुड़ सकती है दोनों धाराएं? बिल्कुल, जो अब तक के जितने भी एविडेंस इकट्ठे हुए हैं उसको लेकर पुलिस के सोर्सेज बताते हैं कि जो लीगल राय भी ली गई है उसमें भी जो लीगैलिटी पर लोगों ने बोला है कि इस मामले में धारा 365 जो जोड़नी पड़ेगी और किडनैपिंग का केस विकास बराला के ऊपर दर्ज होगा। और खास तौर पर जो यहाँ से होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजी गई है उसमें भी सोर्सेज ये बताते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने भी ये कमेंट किया है कि ये मामला काफी सीरियस है और जितने एविडेंस अब तक आए हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज है या जो और एविडेंस पुलिस के पास है, खासतौर पर एक शराब के ठेके पर भी कहा जा रहा है कि एक सीसीटीवी फुटेज वो भी है पुलिस के पास, काफी जो अभी तक के एविडेंस है वो ये बताते उसने उससे क्लियर है कि जो धारा 365 लगानी पड़ेगी। तो चंडीगढ़ पुलिस के सोर्सेज ये बताते हैं कि आज नहीं तो कल ये जो धारा 365 है वो विकास बराला के ऊपर दर्ज करनी पड़ेगी। यानी डिमांड हो, चंडीगढ़ पुलिस ने ही पहले ये धारा हटा दी थी विकास बराला पर से, धारा 365। ऐसे में क्या माना जाए, सीसीटीवी फुटेज अब जब सामने आ गया है और बाकायदा पब्लिक डोमेन में है वो सीसीटीवी फुटेज, अब कोई चारा पुलिस के पास नहीं बचा है, पुलिस को शिकंजा कसना ही होगा आरोपी पर, उस पुलिस को जो कल तक कह रही थी कि देखिए मीडिया ट्रायल इस मामले में मत कीजिए और अगर ये धारा जुड़ जाती है धारा 365 फिर तो आज सीधे गिरफ्तारी होगी विकास बराला की। बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि अगर धारा 365 लगती है उसको लेकर खुद जो, क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली है तो सुभाष बराला भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर आप देखें तो उनकी स्टेटमेंट आई कि मैं लड़की को पूरा इंसाफ चाहता हूं और पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर ये धारा लगती है तो खुद मुझे लगता है कि सुभाष बराला विकास बराला का सरेंडर करवाएंगे, क्योंकि अगर इनकी अरेस्ट होती है तो और ज्यादा पॉलिटिकली मामला काफी ज्यादा चर्चा में आएगा। तो ऐसी गलती मुझे लगता है सुभाष बराला नहीं करेंगी। अगर ये होता है तो चंडीगढ़ पुलिस के इंटच है वो लगातार ये हमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव की बात भी आ रही थी। तो अगर ये धारा लगती है तो मुझे लगता है खुद विकास बराला आके पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर अपहरण की धारा के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है जिसमें सीधे गिरफ्तारी होगी और जमानत नहीं मिलेगी थाने से विकास बराला को। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।